हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी स्वागत है। आज हम किरण पब्लिकेशन की एसएससी बुक का रिव्यू करने वाले हैं और यह है मैथ्स की बुक है। इस बुक में चैप्टर वाइज एवं टाइप वाइज प्रश्नों को शामिल किए हैं और यह है पुराने प्रश्न का सॉल्व पेपर इसमें सम्मिलित है। इसमें 1999 से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किए गए हैं और इसमें 9500 प्लस इसमें प्रश्न है और यह जो बुक है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित है। यदि हम इस बुक की बात करते हैं तो यह एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर सीजीएल टायर 1 टायर 2 सीपीओ 10+12 सीएचएसएल स्टूडेंट का ऑफर सी एवं डी मैट्रिक स्तर एफसीआई दिल्ली पुलिस एसआई आदि परीक्षाओं का अध्यायवार विस्तृत व्याख्या सहित संकलन इस बुक में मिलता है। अब हम इस बुक के अंदर अगर जाते हैं तो अगर इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेंगे, उसके बाद किस सन में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 2011 में सीजीएल में 3 प्रश्न पूछे गए, सीजीएल टायर 2 में 2012 में 4 प्रश्न पूछे गए, उसी पास यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। फिर एलसीएम एससीएफ की बात करते हैं तो इसमें 2011 में सीजीएल में 2 प्रश्न पूछे गए, 13 में सीजीएल टायर में 2 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में यहाँ पर 1 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर सभी जो टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन है, पावर इंडिसेसेस एंड सर्स है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलिगेशन मिक्सचर है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बॉट स्ट्रीम है, सीक्वेंस है, सीरीज है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है और मिसलिनियस है। तो यहाँ पर आपको किस सन में कितने प्रश्न पूछे गए यहाँ पर आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस अध्याय बार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे संख्या पद्धति की हम बात करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या 420 है और यहाँ पर जो प्रश्न है टाइप वाइज है। इस बुक की खास बात है कि इसमें जितने भी प्रश्न को शामिल किए गए इसमें सभी को टाइप वाइज अलग अलग बांट दिया है। जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसे देखने मिलेगा। उसका जैसे लघुत्तम समवर्तक है, महत्तम समवर्तक की बात करते हैं तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 125 है, इसमें भी जो टाइप वाइज इसमें भी बांटा गया है। तो यहाँ पर जो सभी टॉपिक है इन्हें टाइप वाइज एक बुक में बांटा गया है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जैसे टॉपिक की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर संख्या पद्धति संबंधित जो भी जानकारी है, जितने भी फार्मूले हैं यहाँ पर उन्हें बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्नों को टाइप वाइज इसमें सम्मिलित किए गए, तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइप फर्स्ट तो यहाँ टाइप फर्स्ट में जो जो प्रश्न है उन्हें पहले शामिल किए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप टू है, टाइप टू में यहाँ पर प्रश्न आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप 3 है, टाइप 3 भी यहाँ पर प्रश्न देखने मिलेगा। फिर टाइप 4 है, टाइप 5 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप 6 है। तो यहाँ पर सभी सभी प्रश्नों को यहाँ पर टाइप वाइज सम्मिलित किए गए और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में उसकी आंसर शीट मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर टाइप वाइज क्या मिलेगा उनका सोल्यूशन। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि टाइप वाइज टाइप फर्स्ट के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर अभी सभी टाइप के जो प्रश्न है उनके यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने के मिलेगा। यहाँ पर टाइप टू है तो टाइप टू में जितने प्रश्न है उनके यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम अगला टॉपिक हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे हम अगला टॉपिक हम देखते हैं घात, घातांक एवं करनी, तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी
डेफिनेशन मिलेगी, उससे संबंधित जितने फार्मूले हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका जो टाइप वाइज जो प्रश्न है उनको यहाँ पर शामिल किए गए। तो इस बुक की खास बात यह है कि इसमें भी जितने भी चैप्टर हैं तो उन सभी चैप्टर को यहाँ पर उनके अंदर जो प्रश्न है उन्हें टाइप वाइज इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवा सकते हैं या आप अपनी नज़दीक शॉप से भी इसे खरीद सकते हैं। यह एक पुराना एडिशन है, आप इसका मार्केट से नया एडिशन खरीद सकते हैं। यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एमटीएस के एग्जाम हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, स्ट्रोक वापर हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।